नई दिल्ली महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने इस घटना में कंपनी के 18 कर्मचारियों की मौत होने की पुष्टि की है। पुणे के घोटावे फाटा में एक कंपनी की सैनिटाइजर के निर्माण की इकाई में भीषण आग लग गई। स्थानीय दमकल विभाग ने NDTV को बताया कि आग लगने के समय यूनिट के अंदर 37 कर्मचारी काम कर रहे थे। 20 श्रमिकों को बचा लिया गया है। अब तक 18 के शव बरामद किए जा चुके हैं। आग पर काबू पाने और अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए स्थानीय दमकल विभाग के बहुत सारे कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार पुणे में SVS एक्वा टेक्नोलॉजीज के संयंत्र में कम से कम 6 दमकल गाड़ियां भेजी गई हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अग्निशमन विभाग ने कहा है कि मौके पर 18 लोगों के शव मिले हैं, 5 लोग लापता हैं। अग्निशमन विभाग के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात 37 कर्मचारियों में से 20 को बचा लिया गया है। इस घटना में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। अग्निशमन विभाग ने कहा है कि आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। मौके पर 8 फायर टेंडर्स मौजूद हैं। लापता लोगों की तलाश जारी है। एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि कंपनी में आग लगने के बाद से कम 17 कर्मचारी लापता थे। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।